हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके गाइडेंस चैनल। देख लेते हैं आज कौन सी वैकेंसी निकली है। ये वैकेंसी हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए है। ये कोई मेल और फीमेल कैंडिडेट्स भी दोनों भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। सो जो भी कैंडिडेट कांस्टेबल की पोस्ट के लिए हरियाणा में इंटरेस्टेड है वो इसे ज़रूर देखिए। इसका जो पोस्ट है देख लेते हैं। मेल कॉन्स्टेबल की टोटल वैकेंसी 4500 है एंड फीमेल कॉन्स्टेबल की टोटल वैकेंसी 1032 है। टोटल वैकेंसी 5532 है। बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, मीन्स बहुत ज़्यादा स्कोप है। इसकी एज लिमिट देख लेते हैं। एज लिमिट इसकी 18 to 25 ईयर है एज ऑन 1 June 2017। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल। इट मीन्स जो कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि कास्ट में आते हैं किसी, तो उनका 5 ईयर का कुछ एक्सटेंशन रहता है और जो फिजिकली हैंडीकैप है उनको 10 ईयर की छूट रहती है। सो जो रूल्स है गवर्नमेंट के वो सेम यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं। इसकी पे स्केल देख लेते हैं। 21,700 है लेवल 3 सेल 1 के। एंड इसकी क्वालिफिकेशन फ्रेंड्स बहुत ही कम है। 10th पास 12th पास इसे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ इसमें मैंडेटरी है, जैसे कि आपका जो 10th या 12th आपने पास किया है उसमें एक सब्जेक्ट जो हिंदी या संस्कृत दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट मैंडेटरी है, मतलब ज़रूरी है, ये होना चाहिए आपके सब्जेक्ट में हिंदी या संस्कृत आपके 10th में या 12th क्वालिफिकेशन के टाइम पे। इसका फिजिकल स्टैंडर्ड देख लेते हैं फॉर मेल कैंडिडेट के लिए। अगर आप जनरल कैटेगरी को, मतलब ओपन कैटेगरी को, तो आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर की होनी चाहिए एंड चेस्ट 83 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड टू 87 सेंटीमीटर एक्सपेंडेड होना चाहिए। अगर आप किसी कैटेगरी में हो, मतलब रिजर्व कैटेगरी में हो, सो आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए एंड चेस्ट 81 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड टू 85 सेंटीमीटर एक्सपेंडेड होनी चाहिए। फॉर फीमेल देख लेते हैं। जनरल कैटेगरी में अगर आप आते हो तो आपकी हाइट 158 सेंटीमीटर होनी चाहिए एंड चेस्ट नील। एंड अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हो एज़ पर द गवर्नमेंट रिजर्वेशन पॉलिसी, तो आपकी हाइट 156 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एप्लीकेशन फी देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसका 100 रुपीज़ है फॉर द मेल कैंडिडेट एंड फीमेल फॉर फ्रॉम नॉन रेजिडेंट ऑफ हरियाणा, मीन्स जो हरियाणा के रहने वाले नहीं हैं वो मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए 100 रुपये है फीस। अगर आप 50 रुपीज़ है आपके लिए फॉर फीमेल कैंडिडेट ऑफ हरियाणा रेजिडेंट ओनली, जो फीमेल्स है लेकिन हरियाणा के रहने वाले उनके लिए 50 रुपीज़ है। 25 रुपीज़ है फॉर मेल SC BC EBPG कैंडिडेट ऑफ हरियाणा स्टेट ओनली, मीन जो हरियाणा स्टेट के ही रहने वाले मेल कैंडिडेट हैं अपन, लेकिन जो इसमें सर्टन कैटेगरी के अंडर आते हैं, कास्ट में आते हैं, उनको 25 रुपीज़ है एप्लीकेशन फ़ी। एंड सेम जो फीमेल हरियाणा के रहने वाले हैं और सर्टन कैटेगरीज़ में आते हैं उनके लिए 13 रुपीज़ है एप्लीकेशन फ़ी। ये फीस आपको डिपॉजिट करनी होगी थ्रू नेट बैंकिंग और ई चलान इन एनी ब्रांचेज ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, पंजाब नेशनल बैंक एंड IDBI बैंक। इस जो आपको फीस डिपॉजिट करनी है इसकी लास्ट डेट 13 July 2017 अप टू 11:59 PM तक है। सिलेक्शन प्रोसीजर देख लेते हैं फ्रेंड। इसका नॉलेज टेस्ट 80% वेटेज है, मीन्स जो आपका टेस्ट डिपेंड, सिलेक्शन प्रोसीजर जो डिपेंड करता है वो ज़्यादातर नॉलेज टेस्ट पे डिपेंड करता है। पहले आपका जो भी रिटन टेस्ट या नॉलेज टेस्ट होगा वो ज़्यादा है, देन फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, देन फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, देन स्क्रूटनिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स होगा जिसका 8% वेटेज है, मीन्स आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो वेरिफिकेशंस होंगे, देन इंटरव्यू कम पर्सनैलिटी टेस्ट होगा जिसका 12% वेटेज है। ज़्यादातर लेकिन इसका वेटेज नॉलेज टेस्ट पे है। हाउ टू अप्लाई, यह आपको इसके वेबसाइट पर जाके ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, यह ऑनलाइन प्रोसेस है। इसका लास्ट डेट फ्रेंड्स 11th July 2017 है टिल 11:59 PM। सो विदाउट आप अगर आप इंटरेस्टेड हो, जो भी मेल फीमेल कैंडिडेट कॉन्स्टेबल की पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हो, तो आप इसे हरियाणा के स्टेट पुलिस स्टेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ये मैंने लिंक दी है, एक्चुअली आप उसके वेबसाइट पे जाके कर सकते हो, लेकिन थोड़ा प्रोसेस लंबा हो जाएगा, तो मैंने आपको डायरेक्ट लिंक दी है रजिस्टर करने के लिए। आप इस लिंक पे जाओगे तो इसके बाद, जैसे आप इस लिंक पे जाओगे तो आपको ये पेज ओपन होगा। ये पेज पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं वो आपको पढ़ने हैं। देन यहाँ पे देखिए एक आपको ये बॉक्स दिखेगा, इसको आपको टिक करना है। जैसे आप टिक करोगे फिर उसके बाद में आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। फिर जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे आपके सामने एक और पेज ओपन होगा,
जिसमें जाके आपको रजिस्टर करना होगा, जहाँ पे आपको आपके डिटेल्स देने, जैसे कि ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर एंड लॉगिन पासवर्ड, पासवर्ड आपको सेट करना होगा। फिर आप रजिस्टर हो जाओगे उस वेबसाइट के लिए। आपको आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको थ्रू फ़ोन भी आ जाएगा, या फिर आप सेव करके भी रख सकते हो। देन फिर उसे आप लॉगिन करके उस वेबसाइट पे जाइए और फिर उसे फॉर्म फिलअप कीजिए। उसमें सारी डिटेल्स दी गई है, तो मैंने डायरेक्ट लिंक आपको प्रोवाइड कर दी, जैसे कि आप डायरेक्टली जा सकते हो। अदरवाइज़ वेबसाइट पे बहुत सारा है तो आप जंबल होगा। ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, सो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएगी, आगे भी जो वैकेंसीज की वीडियोस है उसके आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। ऑल द बेस्ट।